नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे पेंशन प्लान 16% का गारंटीड रिटर्न आप पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 16% का गारंटीड रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूं। ये एक ऐसी पेंशन है जो इस बार चालू हो गई ना तो 100 सालों तक आपको 16% का गारंटीड रिटर्न देती रहेगी जीवन भर। और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो जो पैसा आज आप इन्वेस्ट करेंगे इस योजना के अंदर वो सारा आपके नॉमिनी को वापस दे दिया जाएगा। और दोस्तों एक ऑप्शन और भी है इसमें, आप अपने साथ साथ अपने ज्वाइंट लाइफ को यानी कि हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड को भी ऐड कर सकते हैं। हस्बैंड के या वाइफ के एक लाइफ के चले जाने के बाद में दूसरी ज्वाइंट लाइफ को वो पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो भी जीवित रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी है, और उनके चले जाने के बाद में भी उनका जो नॉमिनी होगा उनको सारा पैसा वापस दे दिया जाएगा। दोस्तों जब भी पेंशन के बारे में बात उठती है ना तो दो चीजें सामने आती है, एक तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है कब पेंशन चालू होने वाली है। राइट, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि हर 10 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है। सन 1999 में कहां 12-10% का था, आज 2024 में कहां 5.5-6% तक का ही रह गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 2024 की तो आपको यह तो पता होगा अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक में निवेश करेंगे कि भाई 2030 तक आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद तो फिर ब्याज दर चेंज होगा ना। बट अगर मैं बात करूं कि आपको अगर 16% आज बोल दिया, फॉर्म भर दिया है कि 16% मिलेगा, राइट, तो वो आपको 34, 44, 54, 94 जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको 16% का गारंटीड रिटर्न मिलने वाला है। LIC की एक लौटी की नई योजना है जीवन धारा 2, जो कि 22 जनवरी जिस दिन राम जी अयोध्या आए थे उसी दिन ये प्लान लॉन्च हो चुका है। गारंटीड प्लान है, पूरे प्लान को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, कोई भी इसमें से डिटेल मिस मत कीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अंदर 10 ऑप्शन है पेंशन पाने के, 1 से लेकर 10 तक, एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, कैलकुलेशन भी करूंगा, 3 तरीके की कैलकुलेशन हो ताकि आपको प्लान को समझने में आसानी हो जाए दोस्तों। और एक और चीज, पेंशन की बात उठती है तो ये लगता है यार जैसे जीवन अक्षय, जीवन शांति, सरल पेंशन, इन सब में ना एक ही बार में पैसे देने होते हैं, बट यहां पर आपको सुविधा मिलती है, ऑप्शन है कि आप चाहो तो 5 साल में धीरे धीरे करके पैसे दीजिए, 10 साल में दीजिए, यानी एक बार में पैसा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। राइट, मिनिमम छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के प्लान की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए व्यूज तो अच्छे खासे आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं जुड़ पाते हैं। राइट, तो जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी किया कीजिए। राइट, तो दोस्तों गारंटीड प्लान की योजना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। बेनिफिट नंबर 1 दोस्तों, यहां पर आपको 16% की गारंटीड रिटर्न कैसे मिलेगी इस योजना के अंदर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। राइट दोस्तों, बेनिफिट नंबर 2 की बात करें तो ये प्लान पूरी जिंदगी आपको पेंशन देता रहेगा। बेनिफिट नंबर 3 की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको तो पेंशन मिलेगी मिलेगी, साथ में आप चाहें तो अपने साथ में ज्वाइंट लाइफ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों बेनिफिट नंबर 4 की बात करूं तो नॉर्मली सिंगल टाइम में ही पैसा देना पड़ता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है पेंशन प्लान को लेने के लिए, बट यहां पर रेगुलर ऑप्शन भी है, आप इसे अपने अनुसार कितने सालों तक पे कर सकते हैं वो बेनिफिट आप यहां यूज कर सकते हैं। और 5 बेनिफिट की बात करूं तो दोस्तों टॉपअप ऑप्शन भी है, आप चाहे तो और पैसा अपनी योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6 बेनिफिट की बात करूं तो डिफरमेंट पीरियड है जो कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर पेमेंट के ना ऑप्शंस हैं, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक पेमेंट होता है कि भाई आपने पेंशन लेनी है तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट यहां पर पहले ऑप्शन की बात करें तो यहां रेगुलर पेमेंट ऑप्शन है। रेगुलर पेमेंट ऑप्शन का मतलब यह होता है कि आपको एक ही बार में पैसा नहीं देना है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप पैसे दे सकते हैं 5 साल से 15 सालों तक, आपके चॉइस के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके पॉकेट के अनुसार। दूसरा ऑप्शन आता है सिंगल पेमेंट ऑप्शन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है सिंगल, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ही बार में पैसे का भुगतान कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ऑफ एंट्री की। देखिए 20 साल की उम्र वाले व्यक्ति से लेकर 79 इयर्स का व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है। मिनिमम वेस्टिंग एज, वेस्टिंग एज का मतलब होता है कि कब आपकी पेंशन चालू हो सकती है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 9 तक, राइट, यहां पर 11 ऑप्शन है, मैंने 10 बताया था बट 11 ऑप्शन, ऑप्शन 1 से लेकर 9 तक 35 साल की उम्र हो जाएगी तो पेंशन चालू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 10 और 11 में 31 साल की उम्र हो जाएगी तो पेंशन चालू हो जाएगी। डिफरमेंट पीरियड आपका 1 से लेकर 9 ऑप्शन के बीच में 5 साल से 15 सालों का चूज कर सकते हैं आप। राइट, और डिफरेंट पीरियड की बात करूं, अगर 10वें ऑप्शन से लेकर 11वें ऑप्शन की बात करें तो यहां पर 1 साल से लेकर 15 साल का डिफरेंट पीरियड चूज कर सकते हैं आप।
देखिए कब तक आपको भुगतान करना है, राइट, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आपने सिंगल पेमेंट करनी है तो आपने एक ही बार में भुगतान कर देना है, राइट, आप फ्री हो जाते हैं कि आपने एक बार पैसा दिया फ्री हो गए। लेकिन आपने रेगुलर मोड चूज किया है तो दोस्तों आपने जितना डिफरमेंट पीरियड चूज किया हुआ उतने टाइम तक आपने पैसे पे करने होते हैं। 5 साल का डिफरमेंट है तो 5 साल पे करने हैं, 10 साल का डिफरमेंट है तो 10 साल पे करने हैं। डिफरमेंट पीरियड क्या होता है, जितने के आपको 1 साल से 15 साल का डिफरमेंट पीरियड, अगर आप 1 साल बाद ही पेंशन लेते हैं तो फिर आपकी पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट XYZ रहेगा। 2 साल बाद लेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, 4 साल बाद लेंगे बढ़ जाएगा, 15 साल बाद लेंगे तो और बढ़ जाएगा। दोस्तों पेमेंट ऑप्शन आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली बेसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए। ध्यान से इस चीज को समझिएगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम आपको इतना पेंशन तो लेना ही लेना पड़ेगा तभी आप इस योजना में निवेश करेंगे। देखिए मंथली पेमेंट की बात को तो 1000 रुपए मंथली होना चाहिए, क्वार्टरली में 3000, हाफ ईयरली में 6000 और ईयरली में 12000 तो आपका मिनिमम पेंशन प्लान होना ही चाहिए। दोस्तों इसके अंदर मैंने टॉपअप की बात की थी, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये टॉपअप काम करता है। देखिए आपकी पेंशन चालू होने से पहले आप इसमें टॉपअप ले सकते हैं। टॉपअप को जब आप टॉपअप करेंगे तो आपको वन टाइम पेमेंट करना, आप रेगुलर पेमेंट मोड चूज किया हुआ है लेकिन अब आपको सिंगल पेमेंट करनी है अगर आपको टॉपअप कराना है तो इसे एक नई पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। चलिए दोस्तों तो विड्रॉल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑप्शन 2, 9, 10, 11 में विड्रॉल ऑप्शन काम करेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आपके प्लान को 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। जो भी आप विड्रॉल करेंगे, राइट, जो आपके बेनिफिट्स होंगे, जो आपका बैलेंस बच जाएगा उस पे आपकी पेंशन निर्भर करेगी, राइट। टॉपअप पेमेंट्स के लिए ये नहीं एप्लीकेबल रहेगा। 3 बार आप इस योजना में इस विड्रॉल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उसका 60% से ज्यादा अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एडवांस विड्रॉल ऑप्शन की। दोस्तों एडवांस विड्रॉल ऑप्शन का इस्तेमाल सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी होल्डर्स ही कर सकते हैं ऑप्शन 9 और 11 के अंदर, राइट। अगर एक व्यक्ति दुनिया से अलविदा हो जाता है तो उसके जॉइंट लाइफ को जो उनकी 5 साल की पेंशन है वो एडवांस में दे दी जाती है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। लेकिन ध्यान रहे कि जब पॉलिसी होल्डर दुनिया से अलविदा हो जाएंगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको ये अप्लाई करना होगा। तो सरेंडर एंड लोन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपने अगर सिंगल पेमेंट किया है तो आप कभी भी यहां से सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपने रेगुलर पेमेंट मोड चूज किया है तो 2 साल पूरे होने के बाद में आप यहां सरेंडर कर सकते हैं। लोन की अगर मैं बात करूं तो लोन भी आपको दोनों ही ऑप्शंस में मिल जाता है। दोस्तों अब जो डिटेल में आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए रेगुलर पेमेंट ऑप्शंस के अंदर भी मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 9 ऑप्शंस हैं पेमेंट के, और 11, 12 भी हैं, राइट। 9 ऑप्शंस भी है और 10 और 11 भी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं दोस्तों, यहां पर आप जो भी पैसा आज निवेश करते हैं, राइट, तो ये आपको पेंशन जिंदगी भर देता रहेगा, राइट। जब आप दुनिया से अलविदा हो जाएंगे उसके बाद टाटा बाय बाय, कुछ किसी को नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मैं बात करूं तो जब आप इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, देखिए पेंशन आपने ली, दुनिया से अलविदा हो गए, जो पैसा आज निवेश किया था आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे ही आपकी उम्र 75 साल की हो जाएगी तो 50% पैसा आपके जो प्रीमियम है आप खुद भी ले सकते हो, राइट, वो आपको भी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी ऐसी काम करेगा, 100% प्रीमियम आपको इसके अंदर मिल जाएगा जैसे ही आपकी उम्र 75 साल की हो जाएगी, राइट। आपकी पेंशन चल रही है तो चलती रहेगी, आप जीवित हैं 75 साल की उम्र के बाद भी तो भी आपको पेंशन मिलती रहेगी और आपका जो पैसा आपने निवेश किया था वो भी वापस हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 50% पैसा आपका वापस हो जाता है 80 साल की उम्र में अगर आप जीवित रहते हैं, राइट। 6 की अगर बात करूं तो यहां पर 100% पैसा आपको वापस हो जाएगा, 80 साल की ऊपर आपकी उम्र हो जाएगी, पेंशन चलती रहेगी, जो पैसा निवेश किया था वो भी आपको वापस मिल जाता है। 7 ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों यहां पर 76 से लेके 95 इयर्स तक हर साल आपने जो पैसे जमा किए उसका आपको 5% प्रीमियम मिलता रहेगा। ऑप्शन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं जो कि एक जॉइंट लाइफ प्लान है तो दोस्तों यहां पर आपको पेंशन मिलेगी, आपके चले जाने के बाद में आपकी सेकंड जॉइंट लाइफ को पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन नंबर 9 की मैं बात करूं तो आपको पेंशन मिलेगी और उनके चले जाने के बाद में आपको पेंशन मिलेगी, आपके चले जाने के बाद में आपके जॉइंट लाइफ को पेंशन मिलेगी, उनके चले जाने के बाद में जो पैसा आपने निवेश किया था वो आपके नॉमिनी को वापस दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे ऑप्शंस 1 से लेके 9 तक के जो कि रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के अंदर ही आते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 10 और 11 की जो कि सिंगल पेमेंट ऑप्शन के अंदर ही आते हैं। देखिए जहां पे जॉइंट लाइफ की बात हो रही है वहां 2 लोगों की बात है, ये जॉइंट लाइफ में किसको ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, राइट। यहां पर एक चीज देखिए, ऑप्शन नंबर 10 में लिखा गया है जो भी आप पैसा निवेश करेंगे आपके दुनिया से चले जाने के बाद में, यानी कि देखिए पेंशन आपकी चालू हो गई, एक समय आएगा दुनिया से आप अलविदा हो जाएंगे तो आपका जो पैसा निवेश किया हुआ है वो आपको वापस दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 10 के अंदर भी सेम चीज है जॉइंट लाइफ के साथ है, लेकिन यहां पर आप जो पैसा निवेश करेंगे पेंशन आपको मिलती रहेगी, आपके चले जाने के बाद में आपके सेकंड लाइफ यानी कि जॉइंट लाइफ को मिलेगी, उनके चले जाने के बाद में जो पैसा आपने निवेश किया वो आपके नॉमिनी को वापस दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों कैलकुलेशन आपको बताता हूं। मिनिमम प्रीमियम आपको कितना देना है राइट, डिफरमेंट पीरियड के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वन की, देखिए यहां पर दिया ना डिफरमेंट पीरियड 10 साल से लेकर 15 साल। डिफरमेंट पीरियड मतलब जितना लंबा आप डिफरमेंट पीरियड लेंगे उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन वन से लेकर 9 तक दिए गए, हर ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग प्रीमियम पे करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिफरमेंट पीरियड 10 साल से कि 15 साल का आपने चूज किया है राइट। देखिए अगर आपकी एज 55 साल या 55 साल से ज्यादा है तो यहां पर आपको मिनिमम 11,000 रुपए ऑप्शन नंबर वन में चूज करने हैं, पे करने हैं, ऑप्शन नंबर टू में 14,000, ऑप्शन नंबर थ्री में 16,000 राइट। इसी तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी उम्र यानी कि यहां पर 55 साल से कम की है तो ऑप्शन नंबर वन में 16,000 रुपए मिनिमम आपको पे करने हैं राइट। बात करूं ऑप्शन नंबर फाइव की तो मिनिमम 17,000 रुपए पे करने हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिफरमेंट पीरियड की बात करूं 7 से लेकर 9 साल की, तो यहां पर ऑप्शन नंबर वन में आप अगर 55 साल से ज्यादा के हैं तो 18,000 रुपए मिनिमम आपने पे करने हैं, और अगर आपकी उम्र 55 साल से कम की है तो आपको 25,000 रुपए ऑप्शन नंबर वन के अंदर पे करने हैं। यहां पर डिफरमेंट पीरियड की बात करूं 5 और 6 साल की राइट, तो अगर ऑप्शन नंबर वन आप चूज कर रहे हैं तो यहां पर आपने 28,000 रुपए मिनिमम पे करने हैं अगर आपकी उम्र 55 या 55 साल से ज्यादा की है, और 55 साल से कम की उम्र है तो 37,000 रुपए पे करने हैं। यहीं पर ऑप्शन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं राइट, डिफरमेंट पीरियड 5 to 6 वाले प्लान में राइट, तो यहां पर आपने 55 साल से आपकी उम्र ज्यादा है तो 41,000 पे करने हैं, कम है तो भी 41,000 पे करने हैं। ये चीज आपको आराम से समझनी पड़ेगी, पॉज करके आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों सिंगल प्रीमियम के बारे में बात करते हैं, कितना मिनिमम प्रीमियम आप इसके अंदर भुगतान कर सकते हैं। यहां पर डिफरेंट पीरियड 10 साल से 15 साल का है राइट, तो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू बचा हमारे पास में राइट। तो यहां पर आप 1,00,000 रुपए, 55 साल की उम्र है या उससे ज्यादा तो 1,00,000 रुपए पे करने हैं, 55 साल से कम की उम्र है तो 1,25,000 रुपए आपने इसके अंदर पे करने हैं मिनिमम राइट। वैसे ही डिफरमेंट पीरियड 5 to 9 है राइट, 5 से 9 साल का, यहां भी आप देख सकते हैं अगर 55 साल से ज्यादा की उम्र है, 55 साल की उम्र है तो 1,50,000 रुपए, उसके बाद में अगर कम है तो 1,65,000 रुपए। डिफरमेंट पीरियड 1 साल से लेकर 4 साल तक राइट, डिफरमेंट पीरियड 1 साल से लेकर 4 साल तक आपने 2,00,000 रुपए, 2,05,000 रुपए करने अगर आपकी उम्र 55 साल की है, 55 साल से ज्यादा की है, और अगर आपकी उम्र 55 साल से कम की है तो आपने यहां पर 2,10,000 रुपए ऑप्शन वन के अंदर आपने चूज करने हैं। ऐसे ही ऑप्शन टू भी आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों यहां पर फटाफट से मैं आपको ना कुछ डिफरमेंट पीरियड के अकॉर्डिंग और एक जॉइंट लाइफ अकाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपको बता देता हूं, ताकि आपको इस प्लान को समझनी बहुत आसानी रहे। तो इस प्लान की 3 कैलकुलेशन को समझते हैं। अमन नाम के व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में यहां पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट दिया है, यानी कि एक ही बार में पैसों का भुगतान किया है। ठीक है, और सिंगल लाइफ यानी कि उन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर 10, यानी कि पॉलिसी होल्डर आज पैसे जमा किए, उनको पेंशन मिलेगी, जब इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे तो उनके नॉमिनी को वो पैसा, ये 10,00,000 रुपए जो इसमें निवेश करने वाले हैं वो उनके नॉमिनी को वापस दे दिया जाएगा। ठीक है ना राइट, 5 साल का डिफरमेंट पीरियड चूज किया उन्होंने। चलिए तो देखते हैं कैलकुलेशन समझते हैं क्या इनको पेंशन मिलने वाली है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, यहां पर इन्होंने 10,00,000 रुपए जमा किए हैं, प्लस जो जीएसटी है वो भी दिया है 1.8% का, जो कि होता है 18,000 रुपए का। देखिए जितने भी एनआरआई लोग हैं ना, एनआरआई, उनको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट जीएसटी वो पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर इन्होंने 10,00,000 रुपए जमा किए हैं, साथ में जीएसटी जे किया है, देखिए 8.3% का इनका रिटर्न है, यानी कि 83,600 रुपीज ईयरली इनको पेंशन मिलेगी। अगर चाहें तो यहां पर से ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे इनकम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमने देखा जीएसटी हमने पे किया है राइट 18,000 रुपए का, 10,00,000 रुपए का निवेश है, कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे। अब इसी प्लान को रेगुलर पेमेंट यानी कि 5 साल हम रेगुलर पैसे जमा करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, ये है रेगुलर पेमेंट मोड, यानी ये 5 साल हम पैसे जमा करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले साल का जीएसटी है 4.5%, 9,000 रुपए बनता है, और अगले साल के बाद से यानी 4 साल 4,500 रुपए जीएसटी जाएगा। यहां पर आपका जो टोटल पैसा होगा वो मेरे को लगता है 10,45,000 रुपए के आसपास का पहुंच जाना चाहिए राइट। तो और यहां पर देखिए रिटर्न्स आपको मिल रही है पहले साल की ईयरली 72,960 रुपए की, थोड़ा सा डिफरेंस है राइट, यहां पर आपको रिटर्न्स थोड़ी कम मिल रही है। देखिए पॉइंट ये है कि आपने यहां पर आराम से 5 सालों में पैसे जमा किए हैं, वहां पर आप एक बार में पैसे निवेश कर देते हैं, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों की रिटर्न्स में फर्क आएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं वॉली रिटर्न की, जो 16% की रिटर्न आपको कैसे मिलेगी इस योजना के अंदर, उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हमने निवेश करने हैं तकरीबन 10,00,000 रुपए राइट, 10,00,000 रुपए हमने एक ही बार में निवेश कर देने हैं, उसके बाद हमारी जो पेंशन है वो चालू हो जाएगी, तकरीबन होती है 1,63,000 रुपए की। देखिए यहां पर 30 साल की उम्र में व्यक्ति ने 10,00,000 रुपए निवेश किए हैं, ठीक है ना, यहां पर उन्होंने फिक्स कर लिया है कि उनको 1,63,000 रुपए जिंदगी भर मिलते रहेंगे, उम्र भर मिलते रहेंगे, जब चले जाएंगे अपने नॉमिनी को ये 10,00,000 रुपए वापस दे दीजिएगा। ठीक है ना, अब आप बोलेंगे यार इसमें डिफरमेंट पीरियड कितने साल का, देखिए 15 साल का डिफरमेंट पीरियड है, यानी कि 45 साल की
उम्र से पेंशन चालू होगी, ठीक है। 45 से लेके 85 साल की उम्र भी रखता है, 40 साल भी इसमें काउंट करता हूं, तो भी दोस्तों यहां पर आप तकरीबन 65 लाख रुपए यहां से व्यक्ति को दिए जाएंगे, ठीक है ना। और जब इस दुनिया से चला जाएगा तब 10 लाख रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि 75 लाख रुपए इस व्यक्ति को इस योजना के तहत दिए जाएंगे अगर 30 साल की उम्र में व्यक्ति इसके अंदर निवेश करता है, राइट। अभी देखिए पेंशन प्लान जो है, देखिए 1,63,000 रुपए आप लगा लीजिए, आप ना 10 लाख रुपए आपने जमा किए हैं, उसके बाद 16% का आपको ब्याज इसके अंदर मिलता रहेगा, जीवन भर मिलता रहेगा। देखिए आज 2024 है, ठीक है ना, 2039 यानी कि 2039 से इस व्यक्ति को रेगुलर जिंदगी भर 1,63,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना, गारंटेड बॉन्ड पेपर में लिख के मिलेगा दोस्तों। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम अभी निवेश करते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मिला, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ब्याज दर तो गिरेगा ही गिरेगा, क्यों ना ऐसे प्लान में निवेश किया जाए जहां पर आपको तकरीबन 16% की रिटर्न दी जाएगी। किसी और मार्केट में, किसी और प्लान के अंदर ये फीचर नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।